नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है सो so, सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं दैट इज में बाय करने की सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है ट्रेंड कंटिन्यू था ठीक है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया एंड इट गेव एन अप मूव अगेन ठीक है फिर एक रिट्रेसमेंट आया जो ये गैप था इस गैप को आप लोग देख पा रहे होंगे उस एग्जैक्ट गैप को इसने फिल करा जो इसके प्रीवियस हाई से अपने गैप uh, को ब्रेक करा था एग्जैक्ट उसी लेवल पर रिटेस्ट करा एंड इट गेव अ बाउंस ठीक है सो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट नाइन फिफ्टी सिक्स ठीक है आप इसको 961 के ऊपर बाय कर सकते हैं डेफिनेटली बट 961 के ऊपर अगर जाए तभी बाय करना उसके नीचे बाय मत करना ठीक है और नेक्स्ट स्टॉक इज विशाखा नेक्स्ट स्टॉक इज विशाखा इंडस्ट्रीज विशाखा इंडस्ट्रीज पे बी बाय करने की सलाह दी जा रही है आप लोगों को आप देख सकते हैं शार्प अप मूव एंड इट टेक अ वी शेप एंड एग्जैक्ट इस लेवल से ही ब्रेकआउट आया था इस लेवल से एक अप मूव आई एंड आप देख सकते हैं कि मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर था बट इस पे बाइंग डेफिनेटली थी एंड आप देख सकते हैं इट गेव अ ब्रेकआउट ठीक है सो डेफिनेटली हेयर वी कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक राइट नाउ दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट फोर वन थ्री फोर वन थ्री पॉइंट सिक्स के आसपास ट्रेड कर रहा है यू कैन बाय अब फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन ठीक है अब फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक नेक्स्ट स्टॉक इज सोनाटा सॉफ्ट सोनाटा सॉफ्ट पे भी आप लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं लेट मी शो यू ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम जस्ट यस आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इसका प्रीवियस हाई था दैट यहां पर रेजिस्टेंस फेस होने को मिल रहा था एक बहुत शार्प अप मूव के साथ ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद हम लोगों ने देखा एक बार रिटेस्ट आया एंड रिटेस्ट आने के बाद एग्जैक्ट उसी लेवल से मूवमेंट आ रही है ये स्ट्रॉग रेड कैंडल की 50 परसेंट पे आ चुका है अगर इसे क्रॉस करता है दैट इज अभी राइट नाउ ट्रेडिंग एट 417, 420 के ऊपर आई कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ओके अ नेक्स्ट स्टॉक इज फिन केबल यस, सो लेट मी गो टू अ डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन थी यहाँ पर भी देखिए इसने एक मूव दी इस लेवल से एंड इट गेव अ रीटेस्ट अगेन इट गेव एन अपमूव अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद एक शार्प रैली दोबारा कंटिन्यू हुई बिकॉज right राइट it's मेकिंग हायर हाईज एंड हायर lows, ठीक है दोबारा नीचे आया जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था एक्जैक्ट उसी लेवल को रिटेस्ट करा एंड इट स्टार्टेड टू मूव अगेन ठीक है सो अगर हम लोग प्रीवियस से बात करें अगर हम लोग बैक टेस्टिंग करें तो एक चीज हमें यह बता रही है कि एक अपमूव आती है एक रिट्रेसमेंट आता है प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करता है तो नया हाई भी बनता है ठीक है दोबारा इसने यही करा अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा रीटेस्ट करा तो इसका चांसेज आएंगे अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकता है सो येस आई कैन गो फॉर अ बाय राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट थ्री नाइन्टी वन पॉइंट फाइव जीरो हम लोग बाय बना सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को अबव थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर ठीक है लास्ट स्टॉक इज ब्लू डार्ट आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने अच्छा रिटर्न अर्न करा है अभी भी सम क्वांटिटीज आई एम होल्डिंग बट थोड़ी बहुत मैंने निकाल दी हैं, एंड कम क्वांटिटीज के साथ भी इसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया है सो so इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने जो अराउंड बाय करा था वो मैंने बाय करा था टू फोर जीरो टू सिक्स पे 4026 पे मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करा था राइट नाउ इट्स क्लोज एट 4193 यस फोर वन नाइन थ्री पर इसने क्लोज करा था आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपको शो कर रही है इस लाइन पे हम लोगों ने अलर्ट लगा रखा था अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर एंड जैसे ही इसको ब्रेक करा मैंने बाय कर लिया इस पर्टिकुलर स्टॉक को ठीक है सो so, कुछ तो मैंने क्वांटिटीज निकाल दी है बट आई एम स्टिल होल्डिंग बट अभी भी आप देख सकते हैं एक शार्प अपमूव एंड उसके बाद इट कंसोलिडेट अब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करा प्लस एक ट्रेंडलाइन का भी ब्रेकआउट दिया यस वी कैन गो फॉर अ बाय बट आई एम यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा और मुझे भी थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा बिकॉज आप नीचे वॉल्यूम्स uh, देख रहे हैं यहां देख सकते हैं जब भी ये वॉल्यूम बना था इस वाली कैंडल पर तो रैली तो कंटिन्यू हुई थी ठीक है यहां पर भी एक सिमिलर इतने टाइम बाद हम लोगों ने देखा है नवंबर के बाद इतना तेज वॉल्यूम हमें यहां पर देखने को मिला है सो आई थिंक ये एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है बट अगर कभी भी हाई में एक ऐसे वॉल्यूम्स बनते हैं ठीक है अगर कभी भी हाई में बहुत ज्यादा वॉल्यूम बनते हैं तो चांसेस आ रहा है कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है ठीक है सो so, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा देखकर करना पड़ता है आप देख सकते हैं ये जो एक विक इतनी बड़ी बनी है ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है और उस हिसाब से वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं सो so, यहाँ पर हमें थोड़ा सा बिट कॉशियस रहना पड़ेगा अगर ये फोर्टी के ऊपर ब्रेक करती है तभी हम लोग बाय के लिए जा सकते हैं ओके सो आ नेक्स्ट स्टॉक इज लेट मी शो यू आ नेक्स्ट स्टॉक इज निफ्टी निफ्टी पे भी हम लोग बाय कर सकते हैं एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोग बाय कर सकते हैं यस yes, निफ्टी के अंदर लेट मी शो यस सो निफ्टी ने क्या करा देख सकते हैं कि ये एक रेंज थी एग्जैक्ट इस रेंज से इसने ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव रीटेस्ट री देने के बाद एक गैप ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद दोबारा नीचे आया इसी लेवल पे इसने क्लोजिंग दी और फिर एक कैंडल की अपमूव आई है सो so, मैंने निफ्टी में तो बाय नहीं कर रखा बट मैंने बैंक निफ्टी में बाय कर रखा है वो मैं आपको बताऊंगा क्या लॉजिक से मैंने बाय करा हुआ है और आप देख सकते हैं कि येस इट्स अ रिट्रेसमेंट इट्स नॉट अ फॉल बट हमें एक चीज़ पता चल गई है अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं सो हम लोगों को वहां पर एक चीज़ तो पता चल गई है देखिएगा ये देखिएगा लेट मी शो यू इस लेवल से जो ये फॉल आया है ये जो एक फॉल आया है इस फॉल ने इंडिकेट कर दिया है कि देखिए पहले फॉल जब आते थे तो एक कैंडल फॉल करती थी उसके बाद एक अप मूव एक कैंडल फॉल करती थी उसके बाद एक अप मूव ये एक सिनेरियो बना हुआ था अब क्या हुआ एक कैंडल बनाई एक हॉल्ट करा उसका ब्रेकडाउन दिया फिर उसका ब्रेकडाउन दिया ठीक है ये इसने एग्जैक्ट सेम लेवल पर रिटेस्ट करा है आई एम सेंग बट ये जो फॉल आया है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक शार्प रैली कंटिन्यू थी वो अब हल्की हो रही है इसका मतलब क्या है जो बहुत तेजी से बाइंग सेटअप्स बन रहे थे वो अब हल्के होते हुए देखने को मिल रहे हैं येस yes, बाइंग अभी भी है बट आप लोगों को बिट कॉशियस रहना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है उस तरीके से लग रहा है कि जो रैली है वो ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाएगी ठीक है सो so, यहां पर थोड़ा सा वेट करिएगा एंड मैं आप लोगों को एक बार बैंक निफ्टी दिखा देता हूं मैंने किस लेवल पे बाय इसमें बना रखा है बिल्कुल सिमिलर था मैंने बैंक निफ्टी पे इस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स बाय बना रखा है लेट मी गो टू अर्ली टाइम फ्रेम लेट लेटमी जूम आउट दिस पर्टिकुलर चार्ट देखे आप देख पा रहे हैं जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन से आप देखेगा कि फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया सेकेंड टाइम इस लेवल से बाउंस हुआ थर्ड टाइम इस लेवल से बाउंस हुआ और आप देखेंगे कि जब भी ट्रेंड लाइन से अपमूव आती है यहां तक अपमूव आई इस यहां तक अपमूव आई उसके बाद जब ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट करता है तो एक नया हाई बनता है ठीक है फिर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कराया दोबारा एक आज के दिन नया हाई बना उसके बाद आज के दिन इसने दोबारा ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कराया सो मैं अभी कंटिन्यू में हूं ठीक है आई एम फॉलोइंग कंटिन्यूएशन सो मैंने एग्जैक्ट इस लेवल पे बाय कर लिया था जब ये वाली कैंडल इसे ब्रेक करा था और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही थी सो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया था अराउंड थर्टी टू uh, थाउजेंड के आसपास ही शायद मैंने बाय करा हुआ था इस पर्टिकुलर स्टॉक को uh, इंडेक्स को ऑप्शंस के थ्रू बाय करा हुआ है आई एम स्टिल होल्डिंग अभी मुझे प्रॉफिट है बट uh, मैं जैसे मैंने अराउंड थ्री लॉट्स ही बाय करे हुए मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करे हुए हैं एंड अगर मुझे थर्टी या फोर दिखता है तो मैं एक लॉट निकाल दूंगा एंड दो लॉट में होल्ड करूंगा जो मेरे प्रीवियस न्यू हुआ है ठीक है सो so, यही थी आज के एनालिसिस यस यू कैन गो फॉर अ बाय इन बैंक निफ्टी एज वेल बट अगर कल मार्केट खुलती है और अगर ये गैप डाउन होता है फ्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मैं तो अपनी लॉस में पोजीशन एग्जिट कर दूंगा एंड एज वेल एज यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट ठीक है सो गाइज गुड नाइट हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में एंड गाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे भी अपडेटेड रह सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी मैं अलग से दो स्टॉक्स भी आप लोगों को और बताता हूँ प्लस वहां पर आप लोगों को मैं ट्रेडिंग सेटअप्स भी देता हूँ थोड़े बहुत अपने प्रॉफिट्स भी शेयर करता हूँ प्लीज आप चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं Goodbye guys, have a nice day.